है डिफरेंट फ्लेवर के साथ, सस्ते में पड़ती है। 550 रुपीज में हमने बनाई है 2 kg आइसक्रीम। मैं गारंटी देती हूँ अगर आपने सिर्फ ये 15 मिनट इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको बहुत सारी टिप्स ट्रिक्स और बहुत ज़्यादा आप लोगों को आइसक्रीम बनाने में मुफीद मशवरे मिलेंगे। और आप लोग जो है बहुत ज़बरदस्त जो है ना आइसक्रीम को बना सकते हैं। आइसक्रीम के मेन 2-3 जो पार्ट होते हैं ना उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड होते हैं जो कि अब तो बहुत ज़्यादा इजीली मिल जाते हैं। घर पर हर कोई आइसक्रीम बना लेता है लेकिन कमर्शियली किस तरीके से आप घर पर बना सकते हैं, क्योंकि ऑथेंटिक रेसिपी भी तो आपको चाहिए होती है। और मैं बनाकर सेल आउट करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह चुटकियों में बन जाती है। फ्रीजिंग कैसे करनी है, घर के फ्रिज को, घर के फ्रीज़र को आपने कमर्शियली फ्रीज़र के साथ किस तरीके से बैलेंस करना है, आपने किस तरीके से कौन सी चीज़ ऐड करनी है। एक पाउडर जो बहुत मेन किरदार अदा करता है आइसक्रीम के अंदर, वो हमने कब ऐड करना है, क्यों ऐड करना है और किस तरह ऐड करना है, ये बहुत मेन है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको उस पाउडर के बारे में बहुत अहम मालूमात देने वाली हूँ, ताकि आप लोग जो फर्स्ट टाइम आइसक्रीम बनाएं तो आप लोगों से कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो। हम लोग बगैर चीनी के इसको बनाएंगे और बहुत मज़ेदार चीप प्राइस में ये बन जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग सी वीडियो को। तो अभी हम इसको शुरू करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट फ्लेवर जो मैं बना रही हूँ, साथ साथ आपको बताती जाऊँगी क्योंकि हमने एक साथ ही इसे फ्रीज करके रखना है। मैं रात के टाइम में इसको बना रही हूँ। क्यों बना रही हूँ मैं आगे चल के बताती हूँ। यहाँ पर जो है मैंने 1 कप जो है ना व्हिप्ड क्रीम ले ली है, ठीक है, व्हिप्ड क्रीम ले ली है। 1 कप मेजरिंग वाला जो कप होता है ना वो 1 कप ले लें, वो क्रीम ऐड कर ली है। क्रीम जो है वो ठंडी है लेकिन क्रिस्टल फ्री है, ठीक है, मतलब ठंडी है लेकिन क्रिस्टल नहीं है उसके अंदर। अच्छा, अगर क्रिस्टल होते भी तो नो इशू था, हमने इसको मैनेज कर लेना था। तो यहाँ पर 1 कप हमने क्रीम ऐड करने के बाद बीटर से लेंगे, हैंड बीटर जो होता है ना, उससे इलेक्ट्रिक बीटर जो होता है, इलेक्ट्रिक बीटर चला देंगे फुल स्पीड पर। और इसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से जो है ना इसको स्टिफ पीक पे लेके आना है, मतलब इसको इतना थिक करना है कि जब आप इसको चम्मच से, स्पून से या हैंड व्हिस्क से उठाने की कोशिश करेंगे ना तो दोबारा से गिरेगा नहीं, ठीक हो गया। तो उसके बाद जो है हमने क्या करना है, यहाँ पर जो है मैं ये पाउडर का ऐड कर रही हूँ। ये पाउडर कौन सा है, किस तरह से यूज़ करना है, वो मैं आपको यूज़ बता रही हूँ, वीडियो के लास्ट में डिटेल से बताऊँगी ताकि आप लोगों को बिल्कुल प्रॉब्लम ना आए कि कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। पाउडर जो है वो मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून लिया है। मैं 4 आइसक्रीम्स बना रही हूँ 4 कप क्रीम के साथ, तो हर कप में जो है ना 1/2 टीस्पून ऐड होगा। 2 टीस्पून लिया, इसको हमने गुनगुने गर्म पानी के साथ मिक्स कर लेना है। इसको हमने पाउडर को इतना मिक्स करना है कि ये पाउडर जो है ना लिक्विड फॉर्म नहीं, थोड़ी सी लिक्विड से थिक सी फॉर्म होगी लेकिन इसी कंसिस्टेंसी लिक्विड में ही आएगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा रनिंग कंसिस्टेंसी इसकी नहीं होगी। आपने अच्छे से नीम गर्म पानी से इसे मिक्सअप करते जाना है और करते ही चले जाना है जब तक ये हल्का सा फॉर्मी टेक्स्चर में आ जाएगा, लाइट वेट हो जाएगा, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, 1/2 टीस्पून ऐड करना था। अब हमने यहाँ पर, क्योंकि हम मैंगो आइसक्रीम बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पर येलो कलर ऐड कर दिया। येलो कलर ऐड करने के बाद इसको हमने कर लेना है अच्छे से मिक्स। जो पाउडर था वो हमने 1/2 टीस्पून ऐड करना है। अब यहाँ पे मैंगो का पल्प, सिंपल मैंगो लिए, इससे हमने पील ऑफ किया और ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया। कोई भी पानी वगैरह इसके अंदर ऐड नहीं किया, जस्ट 1 कप इनफ था 1 कप क्रीम के लिए। दूसरा ग्लास जो मैंने रखा था वो मैंने हटा दिया क्योंकि मुझे इतना ही इनफ लगा, तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। अच्छे तरीके से बीटर चला देंगे और ये आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि ज़्यादा हार्ड कंसिस्टेंसी अब नहीं रही। तो ये 1/2 टीस्पून जो है ना मैंने ये लिक्विड ऐड कर दिया, जिस पाउडर का हमने लिक्विड बनाया था गुनगुने गर्म पानी से। क्योंकि अगर मैं आपको पाउडर का बताऊंगी तो आप लोगों को सही से अक्सर लोगों को समझ नहीं आता, तो मैं लास्ट में डिटेल बता देती हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पाउडर, इससे क्या होगा, इससे एक तो क्रिस्टल नहीं बनेंगे, बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी, बहुत जल्दी आइसक्रीम पिघलेगी नहीं। जो मोस्ट इशू आ रहा होता है ना, आइसक्रीम बहुत जल्दी पिघल रही होती है, वो पिघलेगी नहीं। उसके बाद हमने 8 टाइजान कंटेनर लिया है, उसके अंदर जो है हमने यहाँ पर सारा का सारा जो है क्रीम इसके अंदर ऐड कर दी है। और इसके अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे और इसको हम भेज देंगे पैक करके फ्रीज़र के अंदर, ठीक है, घर के जो नॉर्मल फ्रीज़र होता है उसके अंदर।
फ्रीजर को भी कैसे यूज करना है वो भी मैं वीडियो के लास्ट में डिटेल में आपके साथ बता देती हूँ कि मैं स्टार्ट में क्या क्या गलतियाँ करती थी और किस तरह मैंने आइसक्रीम का काम स्टार्ट किया और बेकिंग एंड कुकिंग से रिलेटेड जो है ना मैं आपको बता दूँ कि हमने किस तरीके से फ्रीजर को यूज करना है। सेकेंड आइसक्रीम बन रही है, अनदर बाउल लिया, 1 कप इसके अंदर क्रीम ऐड की है, उसको हम अच्छे तरीके से अगेन बीट कर लेंगे। बीटिंग वही स्टिक होनी चाहिए, स्टिक बीट पे हमने इसे बीट कर लेना है अच्छे से। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चॉकलेट आइसक्रीम। यहाँ पर आप लोग चॉकलेट, डार्क चॉकलेट लेके उसे मेल्ट करके वो भी ऐड कर सकते हैं, उसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आता है। मैं यहाँ पे कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ तकरीबन यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर कर, उसके साथ वही पाउडर जो हमने मेल्ट किया था 1/2 टीस्पून वो ऐड हो जाएगा इसके अंदर। इसको ऐड करने के बाद यहाँ पर चॉकलेट एसेंस अगर अवेलेबल है तो आप डालें। मेरा चॉकलेट पाउडर जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर का है, इसका टेस्ट और कलर बहुत अच्छा है, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती चॉकलेट एसेंस डालने की। लेकिन अगर आप लोगों के पास चॉकलेट पाउडर जो है, कोको पाउडर जिसे कहते हैं, कोको पाउडर अगर इतना अच्छा टेस्ट नहीं है तो आप वनीला एसेंस ज़रूर से ऐड कीजिएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। शुगर मैं इसलिए ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि शुगर जो है, जो मैं विप क्रीम यूज़ कर रही हूँ, ये ऑलरेडी मीठी है, तो मुझे उसके लिए भी अलग से शुगर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बजट फ्रेंडली आइसक्रीम बनती है। तो यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से मैंने जो एयरटाइट जार में अब चॉकलेट आइसक्रीम को बनने के लिए जो है ना वो रख देना है। तो ये भी तकरीबन जो है 250 ग्राम, ये भी 300 ग्राम तक ये भी बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तकरीबन जो है हमने इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लिया और इसके बाद जो है 2-3 बार टैप कर लेंगे। एयर बबल भी नहीं बनते इस पाउडर से जो हमने ऐड किया था। अब हम ऊपर से कुछ भी इसके अंदर चॉकलेट चिप चाहे चॉकलेट चिप ऐड कर सकते हैं, चॉकलेट क्रंच करके ना चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं और थोड़ा सा कोको पाउडर भी आप लोग ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट मेथड था। अभी हमें सेकेंड मेथड की तरफ जाना है जो कि डिटेल्ड वीडियो बन रही है, तो आप लोगों को वीडियो बड़ी लग रही होगी लेकिन इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको आप एक बार देखने के बाद आप लोग ईजिली बना सकते हैं। तो ये भी जा रहा है फ्रीजर के अंदर और हमने इसे एयर टाइट जार, हर बॉक्स आपने एयर टाइट जार ही लेना है। थर्ड आइसक्रीम बना रही हूँ, तो थर्ड आइसक्रीम जो है हमने यहाँ पे 1 कप अगेन जो है यहाँ पर क्रीम ले ली है जो कि बहुत अच्छी वाली ठंडी है, फ्रीजर से निकली हुई, ठीक है। इसको भी हमने अगेन बीट कर लेना है, उसी तरह स्टिक पीक रखते हुए हमने इसे बीट कर लेना है। अब यहाँ पर जो है हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर वनीला आइसक्रीम। तो यहाँ पर मैं 2 ड्रॉप्स जो है, थोड़ा सा रेडिश कलर था मेरे पास वो मैंने ऐड कर दिया, तो ये जब थोड़ा डालते हैं 2 ड्रॉप्स तो ये पिंक शेड में आता है, ज़्यादा ऐड करेंगे तो ये रेड में चला जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा ऐड किया, आपके पास पिंक कलर हो आप पिंक कलर ऐड कर दें, क्योंकि वनीला आइसक्रीम बना रहे हैं तो वनीला एसेंस तो इसके अंदर जाएगा। तो यहाँ पर आप फ्यू ड्रॉप्स, बहुत थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है तो बहुत थोड़ा सा ध्यान के साथ 1-2 ड्रॉप्स जो है ना थोड़ा सा आपने वनीला एसेंस को ऐड कर देना है और इसे अगेन हमने कर लेना है मिक्स। ये एक जो है लोकल है, राइट साइड पे इजीली अवेलेबल होता है, वनीला एसेंस मिल जाता है। दूसरा बेक हाउस वालों का है, वो भी बहुत अच्छा है, जो अवेलेबल हो वो डाल दें। 1/2 टीस्पून हमने अगेन वही पाउडर ऐड कर दिया जो कि हमने गर्म पानी में मेल्ट करके रखा हुआ था। इसको मिक्स कर लेंगे, कलर बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत सा पिंकिश सा कलर आ गया है और अच्छे तरीके से हमने इसको अगेन 1 मिनट के लिए बीट कर लेना है। अगेन 1 मिनट के लिए बीट कर लेना है। बीट हम इसको फुल स्पीड पे ही करेंगे, ठीक है। आइसक्रीम को फुल स्पीड पे ही आपने बीट करना होगा प्रॉपर। ये बन चुकी है, आप देखिए फोल्ड कर रहे हैं तो आप देखिए कितनी अच्छी सी थिकनेस अभी से आ गई है। अब अगेन एक और एयर टाइट जार हमने कंटेनर लिया, उसके अंदर ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि इतनी अच्छी, मतलब बहुत कंबाइन सा हर चीज़ जो है ना मिक्सअप हो चुकी है और अच्छे तरीके से हमने जो है ना ये भी जो है इसको मिक्स कर लिया। तो यहाँ पर जो है एयर टाइट जार में लगा कर ये भी चला जाएगा फ्रीज़र के अंदर। तो ये हमारी बन गई थर्ड आइसक्रीम,
ठीक है, बहुत इजी मेथड है, लेकिन अभी हमने सेकंड मेथड और भी करना है। तो जब इसे आपने रख देना है, अब बना रही हूँ मैं फोर्थ आइसक्रीम। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देती जाऊँ, यहाँ पर 1 कप क्रीम, इसको बीट कर लेंगे बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर विस्क को मैं वॉश करना भूल गई थी, तो हल्का सा पिंक कलर था, लेकिन कोई मसला नहीं है क्योंकि आइसक्रीम जो है वो ब्राउन कलर की है, तो इतना इशू नहीं होगा। तो अगेन 1/2 टीस्पून हमने वही लिक्विड ऐड कर दिया, ठीक है, और इसके बाद बीट किया। अभी मेरे पास जो थे ना कैंडी बिस्किट्स थे, इसको मैंने क्रश कर लिया था। कैंडी बिस्किट्स की जगह आप लोग ओरियो भी बिस्किट ऐड कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके सामने हैं। लेकिन कभी आप लोग कैंडी से भी ट्राई कीजिएगा, बहुत बहुत यमी आइसक्रीम बनती है। थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना, तकरीबन 1/2 टेबल स्पून से भी थोड़ा सा कम मैंने यहाँ कोको पाउडर ऐड किया है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर के लिए, बहुत अच्छा लगता है। तो इसको भी अब हमने अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। यहाँ पर आप चाहें तो चॉकलेट एसेंस का ज़रूर से ऐड कर सकते हैं, ना चाहें तो ना ऐड करें, क्योंकि कैंडी बिस्किट्स का भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सा जो है ना वो फ्लेवर होता है। इसको अच्छे से हमने कर लेना है मिक्स, और यहाँ पर जो है ना अब इसको कंटेनर में डाल देना है। 8 आई जार कंटेनर था, इसमें ऐड कर लिया है। ये सब आधा आधा किलो के कंटेनर है सारे, ठीक है। जो बड़े वाला था वो तकरीबन था 1 किलो, उसके अंदर चीज़ आ जाती थी 1000 ग्राम, ठीक है। तो 1 किलो का बाकी आप लोग लगा लें कि थोड़े छोटे कंटेनर थे। तो इसे अब हमने डाल के तो फ्रीज़र में रख देंगे। फ्रीज़र में देख लें आप लोग, बेस पे रखा हुआ है, जो नीचे बेस होती है ना फ्रीज़र में, उसमें रखा हुआ है। ये 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में चले गए हैं। 2 घंटे बाद आपने क्या करना है, इनको निकालना है, इनको अगेन ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर आइसक्रीम के अंदर ना स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर होता है जो कि एक स्मूथनेस का काम करता है, वो हमने क्या ऐड करना है इसके अंदर। चारों आइसक्रीम आपके सामने है, कंडेंस मिल्क 1 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून, जो सबसे बड़ा हमने बनाया था 1000 ग्राम 1 किलो क्रीम के अंदर, इसके अंदर चला जाएगा 1.5 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क। एक बार बीट करना है, जस्ट एक बार, और हमने इसको भी कवर करके जो फ्रीज़र में रख देना है। इसी तरह हमने बाकियों के साथ भी 1 टेबल स्पून ऐड करना है कंडेंस मिल्क, और उसको भी इसी तरह दोबारा अगेन पैक करते जाएंगे, लिड लगाते जाएंगे और कवर करते जाएंगे और फ्रीज़र में रखते जाएंगे। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से मैं समझा पा रही हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। इस तरह से बनाकर जो है ना मैं रात में बनाती हूँ। रात में बनाने का मकसद ये होता है कि इसको अब मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। मकसद ये होता है कि अक्सर घर में जो होता है ना, फ्रीज़र बार बार खुल रहा होता है, पानी निकालना है, कोई भी चीज़ निकालनी है, उसका जो टेम्परेचर होता है ना ठंडक वाला, वो थोड़ा सा ना लो हो जाता है, कभी हाई हो जाता है। लेकिन रात के टाइम जब आप बना के रख लेते हो ना, तो रात के टाइम इतना ज़्यादा फ्रीज़र ओपन नहीं होता है बार बार, जिसकी वजह से कूलिंग जो है ना आइसक्रीम को बिल्कुल सही मिलती है, जो कि उसको चाहिए होती है प्रॉपर 8 से 10 घंटे। मैंने जब आइसक्रीम निकाली थी तो मुझे कोई काम पड़ गया था, जिसकी वजह से मैंने वीडियो वगैरह बनानी थी, जिसकी वजह से मैंने जो है ना नेक्स्ट डे की शाम को हमने आइसक्रीम जो है ना बच्चों को दी थी, क्योंकि बच्चे बहुत ज़िद कर रहे थे कि अब हमें आइसक्रीम दे दी जाए। तो ये तकरीबन 12 घंटे से लग गया था, 12 घंटे से ऊपर था टाइम। टेक्सचर आप लोग नोट कर सकते हैं कितने स्मूथ तरीके से आ रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिस पाउडर की मैंने आपको बात की, मैंने 2 टीस्पून पाउडर लिया है, वो ज़रूर से ऐड करती हूँ। आपको किसी भी शॉप से इजीली मिल जाएगा, जहाँ से सारी बेकरी की आइटम्स मिलती हैं, ऑनलाइन चाहे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं इसको। ये है आइसक्रीम स्टेबलाइज़र। स्टेबलाइज़र जो होता है ना, बेसिकली वाटर सॉल्युबल होता है। इसका काम जो है ना आइसक्रीम को पिघलने से बचाना होता है, आइसक्रीम के मेल्टिंग रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करता है। स्लो फ्रीजिंग के दौरान ना जो आइसक्रीम में क्रिस्टल बन जाते हैं, जो कि आइसक्रीम के टेक्सचर को ख़राब कर देते हैं, कि आप लोग अक्सर घर में बनाते हो एकदम से आइसक्रीम पिघल जाती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं साइड पर, लेफ्ट साइड पर आइसक्रीम पड़ी हुई है बाउल में, लेकिन वो कितनी देर होगी पड़ी हुई, वो मेल्ट नहीं हो रही है। तो स्टेबलाइज़र आइसक्रीम के ना जो बोर्ड होता है ना, उसको स्टेबलाइज करता है, जिससे क्रिस्टल नहीं बनते हैं, ठीक है। और एक तो दूसरा काम होता है कि गाढ़ा करता है आइसक्रीम को। स्टेबलाइज़र आइसक्रीम में ना एक मॉइस्चर माइग्रेशन को कम करता है। इसके अलावा स्टेबलाइज़र आइसक्रीम को ओवररन भी करता है, और ये इमल्सिफायर की तरह ना जैसे स्मूथ टेक्सचर भी देता है, और आइसक्रीम को माउथ फील भी बढ़ा देता है, सो इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ा देता है। तो अब आप लोगों को अंदाज़ा हो गया कि आइसक्रीम स्टेबलाइज़र क्या क्या काम करता है। तो आप लोगों ने बहुत चीप प्राइस में लाइक 250-230 में अच्छी खासी जो है ना आपको ये तकरीबन 5 4
4 to 5 टेबल स्पून तो होता है, और आपको पता है कितना सा जाता है, हाफ टी स्पून ऐड होता है। सो आप लोगों ने जब भी आइसक्रीम बनानी है स्टेबलाइजर को ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे आपको खुद ही पता चलेगा एक थिकनेस आ गई है, एक बॉन्डिंग आ गई है, आइसक्रीम देर से पिघल रही है। मैंने जब भी आइसक्रीम बना के सेल आउट की है, मुझे किसी क्लाइंट की कभी कंप्लेन नहीं आई है। हाँ, जब आप लोग घर पर बना रहे हो नॉर्मल खानी है तो फटाफट आइसक्रीम बना ली, बहुत सारी रेसिपीज़ हैं आप लोग घर पर बना सकते हो, लेकिन ऑथेंटिक ओरिजिनल रेसिपी भी तो होनी चाहिए ना। तो ये मैंने